वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक डायरी, मैं हूं अहमद सिलरू। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर में चार रोज़ा थेस्पियंस फोक फेस्टिवल जारी है। आए यहां पे मौजूद शुरका की आपसे बात करवाते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर में थेस्पियन फोक फेस्टिवल जारी है, जिसका सेहरा जो है थेस्पियन थिएटर फाउंडेशन के सर पे जाता है। और हमारे साथ मौजूद हैं फैसल मलिक साहब, चेयरमैन थेस्पियन थिएटर फाउंडेशन। आइए उनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि ये इवेंट कराने का, ये फेस्टिवल, फोक फेस्टिवल कराने का क्या मकसद है। देखिए जी, इस फेस्टिवल को लाने का मकसद ये था कि यहाँ पर एक्सट्रीमिज़म और वायलेंस को ख़त्म किया जाए, और जो अपर सिंध है उसको बहुत ज़रूरत है, उसकी आवाम बहुत प्यासी है कि सकाफ़ती प्रोग्राम यहाँ किए जाएं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के किए जाएं। लिहाजा थेस्पियंस ने जब ये महसूस किया तो हमने कांटेक्ट किया फिर शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर से। उन्होंने ओपन हार्टेडली इसे एक्सेप्ट किया और हमारे साथ शाना बशाना मिल के उन्होंने काम किया, और जिस तरह की भी सपोर्ट हमें चाहिए थी उन्होंने दी। और आज ये मंजर आपके सामने है कि मुल्क के तमाम ही नामवर फनकार यहाँ न सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं बल्कि सूफ़ी सिंगर्स भी हैं, सूफ़ी डांसर्स भी हैं, और फोक भी है, फोक डांसर्स भी है, हर तरह की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। जितनी भी थिएटर फाउंडेशंस हैं, जितनी भी जो लोग आर्ट के लिए काम कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से, इस फेस्टिवल के प्लेटफॉर्म से, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि वो भी यहाँ पर आएँ, वो भी यहाँ पर फेस्टिवल्स करें और वर्कशॉप्स करें। इन तमाम स्टूडेंट्स को, यूथ को, ख्वातीन को स्ट्रेंथन करने में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मदद करें और हम सबकी मदद करें। इतने ह्यूज रिस्पॉन्स के बाद माशाल्लाह इतनी ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है, पब्लिक का बेतहाशा रिस्पॉन्स आ रहा है पॉजिटिव, आपका आगे क्या प्लान है इस फेस्टिवल को लेके? देखिए, इस फेस्टिवल में एवरी डे 7 से 8 हज़ार लोगों ने शिरकत की है, और अब आप अंदाज़ा लगा दें कि 30 हज़ार लोगों से ज़्यादा क्रॉस कर गया लोग यहाँ पर, जितने लोग यहाँ आए। और इस फेस्टिवल से पहले हमने 4 वर्कशॉप्स यहाँ के स्टूडेंट्स को दी, जो कि फोटोग्राफी की थी, पेंटिंग की है, थिएटर की है और म्यूज़िक की है। वो भी बहुत ज़बरदस्त सोसाइटीज़ हमने यहाँ पे बनाई हैं, और हमारे आगे की भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं। और थेस्पियन फोक फेस्टिवल हर साल एक नए वेन्यू पे हुआ करेगा। आई एम सिद्रा जोयो, मैं बिज़नेस के डिपार्टमेंट से हूँ, और ये पूरा एंटरप्रेन्योर मेला हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से अरेंज किया गया है थेस्पियंस को सपोर्ट करने के लिए। मैं थेस्पियंस का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने पहली बार हमारे इंटीरियर सिन में इतना बड़ा इवेंट अरेंज किया है, और ये हमारी शाह लतीफ़ की हिस्ट्री में भी फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा इवेंट हुआ है। जी, तो हम इस वक्त मौजूद हैं सिंध यूथ ऑर्गेनाइजेशन के स्टॉल पे, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरे सिंध में यूथ डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है। हमारे साथ इनके फाउंडर मौजूद हैं, शाहजेब भट्टी, उनसे बात करते हैं। जी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन लास्ट 10 ईयर से काम कर रही है ऑल ओवर द सिंध। डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, जो गर्मियों में हम स्टॉक लगाते हैं, रमज़ान में इफ्तार करवाते हैं पूरे बच्चों के लिए, ईद जो आती है उसमें हम स्वीट होम में बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं, और एनुअल हमारी कॉन्फ्रेंस होती है खैरपुर में। जैसे कि आपको पता है इंटरनल सिंध बहुत पीछे होती है यूथ डेवलपमेंट में, तो यहाँ पर हम वॉलंटियर बेसिस पे काम करते हैं, और अलहमदिल्ला पीछे हमारे स्टॉल भी हमने इसकी वजह से लगाया हुआ है। सिंध यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो हम इवेंट्स करवाते हैं तरह तरह के, हमने यहाँ पर स्टॉल लगवाया है सिंध यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हमने फेस्टिवल करवाए हैं वुमेन फेस्टिवल एंड ब्लड डोनेशन कैंप, और तरह तरह के खैरपुर में काम करते हैं हम। हम लोग यहाँ पर आलू और चनों की चाट बेच रहे हैं, और अल्लाह पाक का शुक्र है यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आज हमारे को 3रा दिन है। तो हमारे SRSO का मेन ये काम है कि रूरल साइड की तमाम इलाके और फीमेल को प्रमोट करना, तो उस प्रमोट करने के मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट वगैरह चलते हैं, जिनमें से एक क्राफ्ट का भी काम है। यानी रूरल साइड की वो फीमेल जिनको घर में यानी क्राफ्ट के अलावा और कोई काम वाम नहीं आता, बिजनेस नहीं आता, और उनके घर में गुर्बत वगैरह होती है, तो वहाँ पे हैंडमेड करवा के वो हैंडमेड बाहर सिटी में लेके सेल करके 100% प्राइस उनको लेके हम प्रोमोट करते हैं। हमें प्रोग्राम में बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, बहुत बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हैं, बहुत अच्छा, ऐसे शोज और होने चाहिए। मैं बिज़नेस डिपार्टमेंट से हूं और फाइनल ईयर में हूं। मैं थेस्पियंस का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की हैज़ अ एंटरप्रेन्योरशिप, हमें ये मौका दिया कि कैसे बिज़नेस को प्रमोट किया जाता है और कैसे बिज़नेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती है, और बहुत बहुत शुक्रिया थेस्पियंस का। आइंदा हम ये कहेंगे कि आइंदा भी ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए हमारी यूनिवर्सिटी में। जी, बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसे प्रोग्राम्स और भी अरेंज करने चाहिए, और ऐसे
यूनिवर्सिटी में तो ऐसे इस टाइप के और प्रोग्राम चाहिए तो दूसरों को भी मोटिवेशनल वगैरह मिले कि ये इंजॉय कर रहे हैं। हमें तो प्रोग्राम में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये हमारी यूनिक का बहुत बहुत अच्छा फेस्टिवल अरेंज किया गया है, यहाँ पे हम बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोग्राम में आए हम, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लड़कों ने अभी सॉन्ग सिंग किया है, ऐसे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और हमें पता चलता है कि मतलब क्या क्या हो रहा है दुनिया में, क्या क्या करना चाहिए। काफ़ी यहाँ पे कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है अभी, उससे भी पता चल रहा है पाकिस्तान में किस किस तरह के कल्चर हैं और होने चाहिए ऐसे प्रोग्राम, अच्छी बात है। मेरा नाम अक्षा कयूम है और मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ फर्स्ट ईयर में। यूनिवर्सिटी में पहली बार हो रहा है ये 4 डेज इवेंट, पहले यहाँ पर हुए थे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं थे और जैसा आप देख रहे हैं ये 3rd डे है और ये बहुत ही सक्सेसफुल जा रहा है। लोग बाहर से आ रहे हैं और जो भी गेस्ट हैं वो आउट ऑफ दिस सिटी आ रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं, कराची से आ रहे हैं एंड दे आर वेल नोन पर्सनैलिटी लाइक साबरी ब्रदर्स हो गए, वाहिद अलन फ़कीर हो गए, साई जहूर हो गए और इसके अलावा जो ये डांसर्स हैं। जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के जो सारे स्टूडेंट हैं और जो दूसरे हैं वो बिल्कुल लिखे पढ़े लोग हैं और वो समझते हैं जो हमारी ज़िम्मेदारी हमें दी गई है हम उसको अपनी अच्छी तरह से निभाते हैं और जो यहाँ सारे स्टूडेंट हैं लिखे पढ़े लोग। खैरपुर।